ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में सोमवार को जिला जज ए के विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में ज्ञानवापी मामले में पक्षकार बनने से संबंधित काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी समेत 8 लोगों के प्रार्थना पत्रों को अदालत ने खारिज कर दिया। इस मामले में मुकदमे के वादियों ने आपत्ति जताई थी। इसके अलावा ज्ञानवापी के एक और सर्वे के मामले में हिंदू पक्ष की ओर से दलील दी गई। कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित कर दी है, जबकि ज्ञानवापी परिसर स्थित मजार के उर्स मनाने से संबंधित लोहता के मुख्तार अहमद के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तिथि निर्धारित कर दी है। गौरतलब है कि शिवलिंग की जांच के लिए दाखिल कार्बन डेटिंग की प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने पिछली तारीख को खारिज कर दी थी, जबकि इस मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का कहना था कि उन्होंने सिर्फ कार्बन डेटिंग की मांग नहीं की थी, अन्य वैज्ञानिक विधि से जांच कराने की भी बात कही थी ताकि शिवलिंग की सत्यता का पता चल सके। अब इस मामले में कोर्ट से खारिज होने के बाद हिंदू पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उधर ज्ञानवापी विवाद की पोषणीयता पर जिला जज की अदालत से फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंच गया है। वहां सुनवाई के लिए विष्णु शंकर जैन गए हुए थे। 182 का और 256 का तीन प्रार्थना पत्र थे सुनवाई के लिए। 110 पर आज माननीय न्यायालय ने प्रमुखता से सुना, क्योंकि माननीय न्यायालय का ये था कि जो ये क्राउड है ये क्राउड भी कम हो जाएगी। तो 110 पर पिछली बार 7 लोगों को सुना गया था, जो सभी प्रार्थना पत्र आज निरस्त कर दिए गए हैं, और बाकी जो बचे हुए लोग थे उन सब लोगों को आज सुना गया है। और बाकी माननीय न्यायालय ने कहा है कि जितने लोग अनुपस्थित हैं उनको नॉन प्रेजेंस में खारिज कर दिया जाएगा। तो इस पर जो है आदेश 21 तारीख को आना सुनिश्चित है। 82 की जो सुनवाई होनी थी उसमें जो है प्रार्थना पत्र पे बल दिया गया, लेकिन उस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि 21 तारीख को पुनः सुनवाई करेंगे। 256 पे भी यही कहा गया, जो कारमाइकल लाइब्रेरी से संबंधित मूर्तियों को संरक्षित करने के लिए प्रार्थना पत्र वादी संख्या 1 द्वारा दिया गया। तो 110 के प्रार्थना पत्र वादी बनना चाहते थे, कुछ लोग विपक्षी बनना चाहते थे, उस पर न्यायालय द्वारा जो पूर्व सुना जा चुका था उस पर आदेश सुनाया गया। आदेश में उन्होंने सभी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। मेरे द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग व्यवस्था दाखिल की गई थी उसका हवाला देते हुए सबका खारिज कर दिया गया। 2-4 लोग आज नए प्रार्थना पत्र दिए थे जिन्होंने अपनी सुनाया, उस पर मेरी मौखिक आपत्ति रही, उस पर आदेश 21-10-22 को आदेश के लिए रखा गया है। और 82 का मेरी प्रार्थना पत्र 17-5-2022 को दिया गया था, जो कमीशन के बाद मलबा हटा करके दीवार को कुछ पत्थर बंद किया उसको हटा करके वहाँ स्पष्ट कमीशन की रिपोर्ट मांग के लिए मेरी प्रार्थना पत्र दी गई थी। उस पर माननीय न्यायालय द्वारा विपक्षी ने समय मांगा कि मैं आपत्ति नहीं दे पाऊँ, समय चाहिए, तो 21 तारीख को उसकी सुनाई। टोटल कितने लोग पक्षकार बनने के लिए एप्लीकेशन? देखिए पहली बार जो आपत्ति किया था 16 लोगों पर किया था, आज 2-4 लोग हैं। अब माननीय द्वारा न्यायालय द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि अब जो नहीं आज इस प्रार्थना पत्र बल दे पा रहे हैं तो उनका प्रार्थना पत्र नॉन प्रेजेंट में खारिज हो जाए। इनकी जो याचिकाओं पर पिछली तारीख पर सुनवाई की गई थी बहस सुनी गई थी, आज उनको डिसमिस कर दिया गया है सभी 7 याचिकाओं को। उसके अतिरिक्त जो बची हुई 11 याचिकाएं थी उनमें से 4 को सुना गया है, और बाकी जो 11 जो 6 याचिकाएं रह गई हैं उन पर अपना पक्ष रखने के लिए वादी बनने के जो वकील थे वो आज उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके कारण नॉन प्रेजेंट पर डिसमिसल होगा 6 याचिकाओं पर, और 4 याचिकाओं का जो फेट होगा, जो भविष्य होगा, वो 21 तारीख को क्लियर होगा। पक्षकार बनने के लिए कुल कितने एप्लीकेशन? कुल एप्लीकेशन 17 थे, 17 में से 7 डिसमिस हो गए थे, 4 आज सुने गए हैं, और 6 जो हैं उनमें किसी तरह की पैरवी नहीं की गई, जिसके कारण वो डिसमिस माने गए। बच्चे में दीवार पर भी सुनवाई होनी थी, उस पर कब होगा? देखिए दीवार को लेकर के जो बात उठाई जा रही है वो 82 का की जो याचिका 17 मई को मंजू व्यास के द्वारा लगाई गई थी उस पर सुनवाई होनी है। सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर का दिन निश्चित किया गया है, उसमें बहस होगी। लीगल टेक्निकलिटीज के आधार पर देखते हैं कि क्या आर्गुमेंट रखी जाएगी और क्या कोर्ट ऑर्डर करेगा।